सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास टेंथ का इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट और प्राइवेट कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 अगस्त से, उसका डेट शीट आ गया। तो कब कौन सा एग्ज़ाम है, डेट शीट पूरा आप वो हम इस वीडियो में बताएंगे, और क्या नोट्स में नीचे लिखा हुआ है किस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा वो सब बताएंगे। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर आप डेट और टाइम है, यहाँ पर सब्जेक्ट का कोड है और सब्जेक्ट नेम है। तो फर्स्ट डेट 25 अगस्त को आप लोग का क्या है, 10:30 से 12:30, 2 घंटे का IT 402 है। देख सकते हैं 25 अगस्त को IT 402 है। फिर 26 को नहीं है, 27 अगस्त को 10:30 से 1:30 बजे, मतलब 3 घंटा आप लोग का क्या है, इंग्लिश है। तो 27 को आप लोग का इंग्लिश हो गया। उसके बाद बात करते हैं 31 को है, तब 31 को आप लोग का सोशल साइंस है, वो भी 10:30 से 1:30 बजे तक है, मतलब 3 घंटे का। फिर उसके बाद आप लोग का 2 सितंबर को है हिंदी वालों का, 2 सितंबर को हिंदी कोर्स है, कोर्स बी का है, वही टाइमिंग रहेगा। फिर उसके बाद 3 सितंबर को होम साइंस है, जिसका होम साइंस होगा, और 4 सितंबर को साइंस है थ्योरी, मतलब साइंस का एग्ज़ाम है 4 सितंबर को आप लोग का। उसके बाद 7 सितंबर को जिसका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, उसका कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्ज़ाम है 7 सितंबर को। और वहीं पर बात करें मैथ्स का, तो 8 सितंबर को लास्ट आप लोग का मैथ्स है, स्टैंडर्ड और बेसिक जिसका जैसा है वो दोनों का, मतलब 25 अगस्त से शुरू होगा और आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 8 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 25 से IT 402 से स्टार्ट होगा और लास्ट आप लोग का मैथ्स है जो कि 8 सितंबर को है। एक जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, या 8 सितंबर को ही आप लोग का मैथ्स का एग्ज़ाम है। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे नोट्स में क्या लिखा है, नोट्स में वही है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम पेपर इंडिकेट कर दिया गया है डेट शीट में। कंप्यूटर के लिए 2 घंटा है, बाकी सब के लिए 3 घंटा। उसके बाद ड्यूरेशन फॉलो किया जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, और कैंडिडेट आप लोग को आंसर शीट 10 बजे मिल जाएगा, 10:15 तक आपको उसमें डिटेल भरना है। फिर आप लोग आंसर बुक मिलने के बाद आप लोग को जो है 10:15 में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जो कि 15 मिनट आप लोग को पढ़ना है 10:30 में, और 10:30 के बाद आप लोग लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी यहाँ पे लिख दिया 10 नंबर में कि नो इंक्वायरी अबाउट डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट शैल बी अटेंडेड टू। अभी तक रिजल्ट पर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन CBSE ने कहा था कि हम लोग 30 सितंबर को ये बताएंगे कि रिजल्ट कब जारी हो रहा है, मतलब कि वही मान के चल ना कि 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा इस एग्ज़ाम का। और ये देख रहे हैं कल का न्यूज़ है 10 अगस्त का। तो इसी तरह से आप लोग अपना तैयारी कीजिए, इस पर कोई भी नया अपडेट आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।